मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा दसवीं के अंतर्गत आपके जो दो पाठ्य पुस्तक हैं, जिसका नाम पहला है स्पर्श भाग दो, दूसरा है जो पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग दो। संचयन भाग दो से हमने तीसरा अध्याय जिसका नाम है टोपी शुक्ला, उसका हमने विस्तृत जो है अध्ययन किया है। आज हम उसी पाठ के अंतर्गत संक्षिप्त जो विवरण है, पूरा ब्यौरा जो है, उसका निचोड़ जो है, उसे आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो टोपी शुक्ला जो है, इसके लेखक जो हैं राही मासूम रजा जो है, इन्होंने लिखा है, और प्रख्यात कथाकार राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास टोपी शुक्ला में से प्रस्तुत पाठ के अंश लिए गए हैं। ठीक है, इसमें टोपी शुक्ला नामक पात्र के बचपन का वर्णन है। तो इसमें टोपी शुक्ला जो है, उनका बचपन का जो विवरण है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दो जो है, रजा ने जो है लेखक दो यहाँ पर पात्र लिए हैं, एक टोपी शुक्ला, दूसरा है इप्फन, जो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। बचपन में जो इप्फन से वह बिछड़ने के बाद किस तरह है इससे जो वातावरण इसे झेलने पड़े, और किस तरह इससे मित्र जो हैं कम थे इप्फन के अलावा, कैसे उसने जो है उनके जाने के बाद, इप्फन उसका जो मित्र है इस्लाम धर्म का एक लड़का है, और दोनों के जो संस्कृति हैं अलग अलग हैं, धर्म भी अलग हैं। तो इप्फन की दादी जो है गवार बात करती थी, वह टोपी शुक्ला को अच्छी लगती है। टोपी शुक्ला के घर में जो है यह सब बातें जो दादी इप्फन की दादी कहती थी, वह दोहराने पर उसे मारपीट किया जाता है, और वह किस तरह फेल होता है, बाद में उसे किस तरह कठिनाइयां आती हैं, और वह थर्ड क्लास में जो है पास होता है, इसका हम संक्षिप्त विवरण जो है देखेंगे। इप्फन व टोपी की दोस्ती। इसी बीच बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे की पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी मुलाकात इप्फन से हुई। टोपी की यह पहली दोस्ती थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हुई कि टोपी अक्सर इप्फन के घर चला जाता था। तो इतना जो है गहरी मित्रता हो गई, जो टोपी है जो इप्फन के घर चला जाता। इप्फन की दादी उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वह हमेशा उसकी दादी के पास बैठकर उससे कहानियां सुनता था। कौन? टोपी। ठीक है, वो मजेदार भाषे में जो है अपने गवार भाषे से जो है कहानियां सुना देती। इप्फन का परिवार, इप्फन का परिवार देखिए, इप्फन के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन थी। इतने सारे परिवार थे। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, जैसे हमारे धर्म गुरु होते हैं हिंदुओं में, वैसे इस्लाम में जो है, इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं। इप्फन के अब्बू कलेक्टर थे, कलेक्टर यानी डीसी। परिवार समृद्ध था। सारे परिवार में इप्फन को अपनी दादी अच्छी लगती थी। वह हमेशा उन्हें कहानियां सुनाती थी। इप्फन की दादी, देखिए इप्फन की दादी के बारे में इतना जानकारी है, तो इप्फन की दादी का कैसे है, उनका जो है काफिरों के देश यानी जो पाकिस्तान में हुआ था। इप्फन की दादी पूरब की रहने वाली थी। ब्याह कर लखनऊ आई तो उसे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इप्फन के दादा मौलवी थे। घर में अनेक तरह के बंधन थे। दादी एक जमींदार की बेटी थी, भरे पूरे घर से आई थी, खूब घी दूध खाया पिया था, मगर लखनऊ आकर तो वह इन चीजों के लिए तरस गई।
शादी ब्याह में आने गाने बजाने का शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मनाही थी। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी, पूरी बोली जो है बोला करती थी। इप्पन के अब्बू चाहते थे कि इप्पन यह गवार बोली न बोले, मगर इप्पन था कि उसे दादी की बोली में ही मजा आता था। दादी की यही बोली उसके दोस्त टोपी को बड़ी अच्छी लगती थी। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया, एक घटना हो गई। ठीक है, खाने आपको पता है, खाने जब बैठते हैं तो उसे भरता, जो बैंगन का भरता अच्छा लगता है, तो वह गवारू पूर्वी भाषा में ही बोलता है। टोपी की पिटाई, इसी बीच देखिए, हाँ, टोपी शुक्ला का परिवार, आपने इप्पन का देखा, टोपी शुक्ला का परिवार देखिए। भलभद्र नारायण शुक्ला टोपी का पूरा नाम था। उसके परिवार में भी उसकी दादी माँ, पिता माता और दो भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था, हिंदू परिवार था। टोपी ने एक दिन जब इप्पन के घर से सीखा हुआ अम्मी शब्द कहा तो घर में तूफान आ गया, उसे बहुत डांटा गया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बड़ी कड़क मिजाज थी, वह टोपी को कतई अच्छी नहीं लगती थी। अक्सर घर में टोपी शुक्ला पर डांट पड़ती रहती थी। बड़े भाई मुन्नी बाबू झूठी शिकायत करके उसे पिटवाते थे, तो छोटा भाई भौरव उसकी कापियां फाड़ डालता था। ये टोपी शुक्ला का जो है परिवार के बारे में है। टोपी की पिटाई, इसी बीच देखिए किस तरह मुन्नी बाबू ने दूसरा बड़ा भाई टोपी का बताया कि टोपी कबाब खा रहा था, तो टोपी की अम्मी ने उसे बहुत पीटा। वास्तव में मुन्नी बाबू ही बुरे थे, यानी वही खाते थे, मगर टोपी ने कभी शिकायत नहीं की। उसका सारा गम इप्पन के साथ ही बांटता था। दोनों दोस्त अक्सर अपने सुख दुख साझा कर लिया करते थे। इप्पन की दादी का देहांत, इसी बीच जो है देहांत होता है। देखिए, टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं थी, वह तो इप्पन की दादी को बहुत चाहता था। देखिए, टोपी शुक्ला अपनी दादी से प्यार करता नहीं था, क्योंकि उसे रिस्ट्रिक्शन बहुत थे। जब इप्पन की दादी का देहांत हुआ तो वह बहुत उदास हो गया, टोपी भी और इप्पन भी। उसने इप्पन से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। उस दिन दोनों दोस्त खूब रोए, दोनों जो है चाहते थे दादी को इप्पन के, तो दोनों रोए। टोपी का अकेलापन, एक दिन इप्पन के पिता का तबादला हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया। इप्पन के जाने के बाद टोपी शुक्ला इतना अकेला हो गया कि हमेशा उदास रहने लगा, उसका दिल कहीं भी नहीं लगता था। टोपी को कुत्ते ने काटा, इसी बीच जो है टोपी को एक कुत्ता काटता है, क्योंकि वहाँ पर जो है नए कलेक्टर आए थे, वो वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने कुत्ता पाला हुआ था। टोपी को इप्पन के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह उसी सरकारी बंगले में जा पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा था। नए कलेक्टर के तीन लड़कों ने टोपी को घास नहीं डाली, यानी कुछ भी नहीं कहा, यानी उल्टे एक लड़के ने टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया। टोपी को पेट में 7 सूलियां लगी, इसी बीच जो है 7 सूलियां लगी। घर की नौकरानी से लगाव, घर बाहर सभी से उदास टोपी को घर की नौकरानी भली लगती थी, यानी उसे संभालती थी थोड़ा, टोपी शुक्ला को जानती थी। वह बूढ़ी नौकरानी भी उसका दर्द समझती थी, इसीलिए वह अक्सर टोपी को समझाती और प्यार करने लगती। टोपी भी उसके आंचल की छांव में अपने सब दर्द भूल जाता। देखिए, अभी कोई नहीं है, फिलहाल एक नौकरानी है, उसे समझती थी। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल, इसी बीच जो है टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के
कामों की वजह से नहीं पढ़ पाया तो दूसरी साल उसे बुखार हो गया था। तीसरे वर्ष भी जब पास हुआ तो थर्ड डिवीजन में पास हुआ। घर में सभी उसका मजाक उड़ाते रहते थे थर्ड क्लास पास होने पर। फेल होने पर स्कूली छात्रों का व्यवहार, टोबी ने यानी तीन साल जो है उसने तीसरे साल जो है पास हुआ था, दो साल में जो है पिछले कक्षा में ही बैठना पड़ा उसे। तो देखिए, टोबी ने नवी तो पास कर ली मगर दो वर्ष फेल होने पर तीसरे वर्ष उसी कक्षा में बैठना टोबी के लिए बड़ा कड़वा अनुभव रहा। वह अक्सर विद्यार्थियों के मजाक का पात्र बन जाता था। अध्यापक भी अक्सर उसका उदाहरण देकर उसके दर्द में इजाफा ही करते थे यानी ज़्यादा ही करते थे। टोबी को उनकी बातों से बड़ा दर्द होता। सारे छात्र उससे उम्र में भी छोटे थे, अतः कोई उसका दोस्त भी नहीं बना था जिससे वह अपने दिल की बात कर सकता। इसी बीच देखिए, तीसरे वर्ष टोपी का परीक्षा परिणाम। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय किया था कि चाहे उसे बुखार हो या कोई और परेशानी आए, उसे पास होना ही है। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में तो सफलता नहीं मिली मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक न रहा। फिर भी उसने मेहनत की और थर्ड डिवीजन में पास हो गया। देखिए, इनके इतने माहौल होते हुए भी वहाँ पर जो है चुनाव का जो तनाव रहा, वातावरण रहा, इसी बीच जो है उसने कैसे भी करके पास करना है यह समझकर वहाँ पर उन्हें थर्ड डिवीजन में पास हो गया। तो इस तरह जो है राही मासूम रजा ने टोपी शुक्ला नामक एक जो किरदार को बखूबी यहाँ पर जो है उसकी मानसिक स्थिति को, जब कोई अपना मित्र होता है उसका जो बिछड़ जाने पर तब किस प्रकार से मानसिक तनाव जो है सहना पड़ता है। घर में सभी परिवार होते हुए भी उसे डांटते रहते हैं, केवल एक नौकरानी थी उसे समझ सकती थी। इस तरह जो इसी बीच जो है वह निर्णय कर दसवीं कक्षा को थर्ड क्लास में वह पास करता है। इस तरह आज हमने टोपी शुक्ला का जो संक्षिप्त विवरण है किया है। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।